₹900 गुल्ला प्लस। हाँ, प्लस ये गुल्ला की बात है। हाँ, गुल्ला की बात हम लेंगे, हम अच्छा तो ₹900 तो गुल्ला फिर अलीगढ़ में बहुत बढ़िया बिक रहा। तो मतलब कुछ सौदे भी हुए हैं 1100 प्लस के यहाँ पे। 1100 में हुए सौदे। अच्छा, 1100 की। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। लेकिन 10 सालों में सबसे ज्यादा निकासी इसी साल। 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने भाई। ये तो एक बढ़िया जानकारी मिली है राजी गोल्ड में। 10 सालों का रिकॉर्ड निकासी का वो भी। अच्छा, और रेटों का भी लगभग तोड़ दिया। नहीं, अभी जून के महीने बात कर रहा हूँ। जून का भी हाईएस्ट रेट मानो, क्योंकि 2020 में भी जून में ये रेट नहीं था 1100 रुपए तक। मैं जो आप देख पा रहे हो, मैं हूँ किसान भाई रांची कोल्ड में, और यहाँ पे किसान भाइयों जानेंगे कि रांची कोल्ड में इस समय निकासी कितनी हो चुकी है, और सारी कुछ जानकारी आपको अंदर जाके मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ रांची कोल्ड अलीगढ़, और जानकारी करते हैं। तो नमस्कार जी सर। तो सबसे पहले तो थोड़ा परिचय दें अपना। मेरा नाम जितेंद्र अवस्थी है जी, मैं रांची कोल्ड स्टोर से। अच्छा, तो आपके इस कोल्ड की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 3 लाख पैकेट है। 3 लाख की। तो ये तो फुल हो गया था? हाँ, समय से। समय से फुल। अच्छा, हाँ। अपनी कैपेसिटी में लगभग सबसे पहले। सबसे पहले तो अभी फिलहाल एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका ये फुल हो गया था, तो इसमें जो शुगर फ्री की बात कर रहा हूँ केवल, कितने पैकेट है लगभग? शुगर फ्री 2,20,000 पैकेट है। 2,20,000 और 80,000 जूटा। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे आपकी कोल्ड में मैं अभी देखते हुए आया हूँ कि काफी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो जून में तो अब लग रहा है कि निकासी और अच्छी चल रही है। नहीं, हमारे यहाँ आप लास्ट टाइम आए थे, शुरुआत से ही अच्छी निकासी है। अच्छा, और निकासी के प्रतिशत की बात करें तो हमारे यहाँ 15%, मतलब आपकी कोल्ड में 15% हो गई आराम से हो गई। तो ये जो 15% निकासी, ये रांची कोल्ड की स्थिति है कि बाकी लगभग पूरे ग्लास का ये हाल है? बाकी का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपना मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंफर्म है। अच्छा, कि 15% किसान व्यापारी ये कहते हैं आपके यहाँ से थोड़ा सही है निकासी। हाँ मैं, अच्छा तो हम आना जाना इतना रहता ना, मुझे तो देखो पूरे ग्लास की भी रिपोर्ट जानना चाह रहा हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ। अगर आपके कोल्ड में जैसे 15 हो गई है, तो कुछ कोल्ड है जिनमें 12 भी होगी होगी, 10 भी होगी होगी, तो एवरेज लगभग माने तो 12% तो है अलीगढ़ का, मतलब होनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो अभी फिलहाल की स्थिति में लगभग एक गाड़ी या दो गाड़ी कितनी लोड हो रही है डेली? गाड़ी का एवरेज की बात करें, 3 गाड़ियां कम से कम रहती है, कभी 4 है कभी 2 है। अच्छा, गाड़ी का एवरेज लगभग। तो ये जो आपने निकासी अभी बताई है 15%, ये अप्रैल से लेके और मई लास्ट तक की है? हाँ, अप्रैल से लेके। आप अब तक का मान लीजिए, अब तक का मतलब 7 तारीख तक का। अच्छा, मई के महीने में जो 15 मई के बाद जो निकासी हुई है, उसकी अपेक्षा अभी निकासी सही चल रही है? निकासी, क्योंकि रेट तो बढ़ाया आलू का। निकासी पहले भी ठीक चल रही थी, अब थोड़ा सा मार्केट में भी बिक्री बढ़ गई है, उस हिसाब से ठीक चल रहा है। अच्छा, किसान भी काफी आलू बेच रहे हैं? किसान आ रहे हैं और अच्छा, माल बिक भी रहा है, आलू बिक रहा है। लेकिन जो पिछले महीने में जो आलू बिका था ना, उससे थोड़ा सा गिरावट आई है बिकने में। अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा सा गिरावट, यानी आलू में तेजी आई है और उसमें होता है, अमूमन होता है वो। अच्छा अच्छा, जब आलू पे रेट ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बिक्री में थोड़ी कोल्ड पे दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। अच्छा अवस्थी जी, एक बात और बताइए, जैसे अभी आपके यहाँ पे आलू के जैसे भाव क्या चल रहे हैं, जैसे गुल्ला या मोटा या 3790 सूर्य वगैरह? आलू का रेट खूब बढ़िया चल रहा है इस समय 37 की बात, क्योंकि आपकी एक बात मुझे अभी तक याद है। जी, एक मिनट में रोक रहा हूँ आपको। आपकी एक बात मुझे अभी तक याद है, और जो लोग देख रहे हैं अगर उन्होंने पिछली आपकी वीडियो देखी है तो उनको भी पता है, पिछली बार आलू का रेट लगभग नीचे आ गया था, लगभग 1,000 रुपए के आसपास हो गया था, 950 रुपए के आसपास। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं कि रेट काफी डाउन है, क्या होगा? तो आपने बोला था कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ये लास्ट बेस है 950-950 का। अब बीच में 950 के बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर उठने लग गया। हाँ, आज की बात करें रेट की, तो 37-97 आलू का रेट है जी, वो अच्छे आलू का 1,000 से 1,100 प्लस भी हो सकता है, कोई बड़ी, मतलब 1,000 रुपए से लेके 1,100 प्लस। हाँ, अच्छा, एक ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिक रहा है। अच्छा, तो मतलब कुछ सौदे भी हुए हैं 1100 प्लस के यहाँ पे? 1100 में हुए सौदे। अच्छा, 1100 37 की। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। 1050 में तो अमूमन काफी हो जाते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वीआईपी आलू है तो 1100 से प्लस भी, मतलब ज्यादातर आलू 1000 से ऊपर ही बिक रहे हैं अब। हाँ, अच्छे आलू 1000 से ऊपर ही, और जो अच्छी क्वालिटी थोड़ी चमक बढ़िया है तो वो 1100 पार 1100। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ग्लास में भी अब 1100 पार है। और जबकि बोलते ये है की ग्लास की जो लोडिंग है वो दिल्ली में होती है, तो दिल्ली के आधार पर तो रेट बहुत हाई है यहाँ पे। दिल्ली भी 1080-1100 का आलू बिक रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो आप जैसे कोल्डों की तो मेहरबानी है, दिल्ली 1080 अच्छी क्वालिटी का आलू माल बिकता है। हाँ नहीं, जैसे आप जैसे कोल्डों की मेहरबानी है, एक ग्लास के कुछ कोल्ड जब रेट यहाँ ऊपर कर रहे हैं तो और कोल्ड में भी रेट बढ़ते जा रहे हैं, फिर दिल्ली में माल नहीं पहुंच रहा सस्ता उनके लिए। चीज़ है कि अच्छा आलू है तो वहाँ बिकना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि जब यहाँ अच्छा आलू यहाँ से भेज रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे आलू की सब जगह डिमांड है। एक्चुअली हल्के आलू से
मंडी भरी पड़ी है, किसान भी यहाँ भी हल्का आलू बेच रहा है। जो आदमी जो सैंपल निकल रहा है ना उसमें 80% हल्का आलू निकल रहा है। अच्छा, छिला है, हरा है, आदमी हाइब्रिड है उसको बेच रहा है अभी। लेकिन जो 37 निकलता है तो वो फिर अपने रेट में यहाँ भी बिकता है और वहाँ भी अच्छे पैसे। तो अभी जैसे कितनी सैंपल निकल रही है, मतलब एक दिन जैसे बोरी लगती है कितनी निकल आती है? मानो आपकी 50+ निकलती है, 50 से 70-80 तक की सैंपल की। अच्छा, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, इस महीने में जून के महीने में शुरुआत में, पिछले साल की आप बात करोगे, आप पिछले 5 साल की भी बात कर लो, निकासी का प्रतिशत इस साल अच्छा रहा है। यानी पिछले 5 सालों से भी अच्छा है हमारा। 2020 भी गया बीच में। मैं व्यक्तिगत अपना बता रहा हूँ आपको। अच्छा, 5 साल में पिछला जो निकासी का हमारा एवरेज अब चल रहा है वो इस साल का बढ़िया रहा है, वो मई हो जून हो सब अच्छा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। लगभग बोलते हैं कि मई के महीने में तो 5% हो पाती है निकासी। नहीं, ऐसा है ना, हम प्रॉपर डाटा रखते हैं। अच्छा, नहीं हम भी अंदाज से चल रहे होते हैं, शायद हम इस साल वो है, हमारे पास पिछले 10 साल से डाटा है। दूंगा आपको मैं अभी। अच्छा, तो पिछले 10 साल जैसे अभी जो निकासी हो रही है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, लगभग मई के महीने में वैसे कितनी हो पाती थी? लगभग मई के महीने में जो भी हो पाती थी, मतलब मान के चलिए आपके मुश्किल से 12,000-14,000 बैग तक निकल पाते हैं। लगभग मुश्किल से 5-6%। हाँ, बहुत ज्यादा जो लगाने पे। हाँ, मुश्किल से। अच्छा, वो भी राशि ऐसे या बढ़िया कुछ कोल्डों की स्थिति थी ये, लेकिन इस बार तो 15% तो बहुत बड़ी बात है, मतलब डबल। अच्छा, डबल से भी ज्यादा। और डिफीट करना पिछले 10 सालों को ये नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही ज्यादा मार्जिन है, लेकिन 10 सालों का जो रिकॉर्ड है उसमें चाहे 5,000 कट्टे हमने ज्यादा निकाले, पर लेकिन 10 सालों में सबसे ज्यादा निकासी इसी साल। 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने भाई, ये तो एक बढ़िया जानकारी मिली है राजी गोल्ड में। 10 सालों का रिकॉर्ड। हाँ, निकासी का वो भी। हाँ, अच्छा, और रेटों का भी लगभग तोड़ दिया। नहीं, अभी जून के महीने बात कर रहा हूँ, जून का। हाँ, जून का भी हाईएस्ट रेट मानो, क्योंकि 2020 में भी जून में ये रेट नहीं था, 1100 रुपए तक। और विकास जी, एक चीज है कि आप निकासी को लेके, रेटों को लेके जो आप सवाल कर रहे हो, वो तो लगभग जो किसान आलू कर रहे हैं उनको पता ही है कि लगभग अब तक का हाईएस्ट रेट है। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा, ये हाईएस्ट रेट ऐसे ही बना रहेगा वसरते आलू निरंतर बिकता रहे, ऐसी निकासी चलती रहे बस। अच्छा, अभी जो निकासी, ऐसे किसान भाई आलू बेचने आ रहे हैं, अब तेज हो गया तो तेजी में भी आलू बिक रहा खूब? तेजी में पहले के अपेक्षा कम बिक रहा है। अच्छा, पहले के अपेक्षा कम बिक रहा है। आदमी को अपना ज्ञान आ रहा है ना, कैसे भी अन्य अन्य साधनों से, मतलब उनको इंटरनेट से मिल जाती है सूचना, तो अच्छी बात है, अपडेट रहे, लेकिन आलू बेचते रहे। बिल्कुल, आलू बेचते रहेंगे तभी और अच्छा उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी संभव हो पाएगा। अच्छा, मैं आपके यहाँ बोरी कब कब लगती है? लगभग संडे को लगती है। और तो संडे को तो लगभग संडे या पिछली जो बोली रही है तो आपके यहाँ 3790-1100 रुपए तक बिका है। और अगर इसका गुल्ले की बात करें 3790 की, 850 तो अमूमन बिक रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वीआईपी है तो 900+। 900 रुपए गुल्ला प्लस? हाँ, हाँ, प्लस। ये गुल्ला की बात है? हाँ, गुल्ला की बात हम लेंगे। अच्छा, तो 900 रुपए तो गुल्ला फिर अलीगढ़ में बहुत बढ़िया बिक रहा है। 850 तो अमूमन बिक रहे हैं, मतलब 850-900 रुपए तक तो। अच्छा, 3700 में गुल्ला की? 3700 हम ले रहे हैं, कोई बड़ी। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ये तो बहुत खुशी की बात है, कहने का मतलब हमारे शुगर फ्री वाले जो किसान के लिए परेशानी हो रही थी ना कि शुगर फ्री रेट नहीं है, तो गुल्ला का 900 रुपए रेट बहुत है। किसानों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि रेट इतना अच्छा है, धीरे धीरे अपना सब आलू निकालते रहे तभी ये मेंटेन रह पाएगा रेट भी। अगर निकालते रहेंगे तो आगे उन्हीं के आलू में और अच्छा फायदा मिलता रहेगा। अच्छा, अगर किर्री की बात करें तो किसान में, किर्री की बात करो तो बढ़िया किर्री, मतलब 650-600 रुपए तक बिकी है। बढ़िया किर्री तो वास्तव में तेजी है, किर्री से लेके गुल्ला तक और मोटी तक वास्तव में तेजी है, लेके 400 से। अच्छा, अगर चिप्सोना की बात करें, चिप्सोना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत किसान मुझे कमेंट करते हैं कि चिप्सोना का बताओ। अभी एक्चुअली चिप्सोना का बाजार अभी 37 के लमसम ही गिर रहा है। उसका कारण यह है कि जो चिप्सोना से बनने वाली चीजें मार्केट में अभी बिल्कुल रुकी हुई है। बिल्कुल, वो बरसात में टेस्ट बढ़ेगा और वैसी चीजें बनेंगी जो कि इसमें लगती है चिप्सोना के लिए। अच्छा, तब चिप्सोना का रेट खुलेगा। तो आपका कहना है कि बरसात में थोड़ी डिमांड आएगी? हमेशा आती है, क्योंकि देखो मुझसे चिप्सोना वाले किसान बहुत जुड़े हुए हैं, इस वैसे स्पेशली चिप्सोना की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। चिप्सोना का रेट 37 के बराबर है अभी, ये समझ लिया। अभी बराबर है यानी 1100 रुपए तक, 1100-1150 रुपए तक। बढ़िया। और चिप्सोना गुल्ला भी ये रेट है? गुल्ला 900 रुपए तो है ही है, उससे प्लस ही है। अच्छा, गुल्ला की डिमांड ज्यादा है एक्चुअली, मोटे से गुल्ला की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, गुल्ला लोग ज्यादा मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि जो आदमी मोटा आलू बेचने की कोशिश कर रहा है 25-30 रुपए किलो,
ठीक है, वो नहीं बिकता। अच्छा, अगर गुल्ला 20 बेच रहा है तो 20 बेच के उसे लाभ हो रहा है, ज्यादा बिक भी रहा है। हाँ, तो गुल्ला की डिमांड तो बहुत है। अरे गुल्ला 900 नहीं बिक रहा है, कुछ हल्के हैं तो वो 700 भी बिक जा रहे हैं। अच्छा, तो उनमें उन्हें अच्छा मार्जिन है, तो मार्केट में गुल्ला की डिमांड पिछले साल से। अच्छा, और ये जो कुछ किसान जैसे हाइब्रिड वाले किसान हमारे परेशान से लग रहे हैं, हाइब्रिड का क्या चल रहा है अभी? हाइब्रिड 950 रुपए तक बिक रहा है, परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा, 950 रुपए तक है? 950, बीच में तो ये 850 रुपए हो गया था, 800 रुपए। हाइब्रिड में वैरायटी आती है 302, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो 1000 भी टच कर रहा है। सफेद सफेद काट में 1000 रुपए, 302, तो ये तो बहुत बढ़िया। और ख्याति? ख्याति 950, 950, 950, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और जैसे अभी सूर्या की बात करें, सूर्या और T7 आलू हमारे बेल्ट में बहुत है अलीगढ़ में, इनका क्या चल रहा है अभी? सूर्या का रेट आप समझिए, बढ़िया सूर्या है, लेके 1050 रुपए, 1200 रुपए तक, 1200 रुपए। अच्छा, टी सेवन लगभग ये रेट है? T7 लगभग इससे 50 रुपए, 40 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है। तो देखो, आपके यहाँ से रेट मिलेगी और ये सब चीज मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी है। लेकिन जैसे अली, मुझे तो लग रहा नहीं है कि दिल्ली से आप पैसे लौटा के ला रहे हो, जिस हिसाब से आप कोल्ड में इतना आलू महंगा बिक रहे हो, 1100 रुपए तक बिक रहा है। और दिल्ली में लास्ट जो खबर मिल रही है वो 1070-80 बस लास्ट। नहीं देखो, मैं आपको बताऊं जी, बिक रहा है वो ठीक है, लेकिन आलू सारा एक रेट का नहीं जाता गाड़ी में, सब धड़ा बन के गाड़ियां जाती हैं। दूसरी बात है, अच्छा आलू है ना, जैसे यहाँ रेट उनके ऊपर हो जाते हैं, जो वहाँ खरीदते हैं वो भी आदमी जो पैकार है ना, जो बेचने वाले मासक हो रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे कि क्या भाव का है। अगर किसी को 20 बैग लेने हैं तो वो कहता है बाबूजी आएंगे, भर लेना जो रेट भरना है। और 1100 रुपए का आलू बिक रहा है दिल्ली में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं बिक रहा। आलू 1100 का बिक रहा है 37 रुपए, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। 300 पैकेट की गाड़ी हम लोग भेजते हैं तो उसमें 50-60-70 गट्टे डाले पे डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा अगर आलू बढ़िया है तो उसके सहारे से जो हमारा सेकंड नंबर का आलू जा रहा है तो ग्राहक कम से कम उसे देखने आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उसमें 10-20 रुपए हमारे चले भी जाए, सपोज करो जैसे 1080 तक आजादपुर बोल रही है, बिल्कुल अगर 10-5 रुपए चले जाते हैं और दूसरे में हमारे 10-20 रुपए बन रहे हैं हल्के आलू में, तो वो ग्राहक भी उस बढ़िया आलू को ही देख के आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, एक और बात है, इससे किसानों को ये ऊर्जा मिल रही है कि एक ग्लास के कोल्ड वालों ने दिल्ली मंडी को बीट कर रखा है। नहीं, मैं आपको बताऊं विकास जी, केवल आजादपुर की बात नहीं है, आजादपुर अकेली मंडी नहीं है, दिल्ली NCR में कुछ ऐसी मंडियां भी हैं, छोटी मंडी, कि वहाँ 1100 रुपए का आराम से आलू बिक रहा है। अच्छा, कोई इसमें डाउट नहीं है। और हम खरीददार हैं, कोई अगर ये कहता है कि 37 अगर अच्छा है तो हम 1100 रुपए खरीददार हैं बिल्कुल तुरंत, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, लेकिन अभी भी जैसे कुछ जगह के हमारे किसान भी परेशान है जी, तो अभी जैसे यहाँ पे आपके यहाँ लगभग कितने व्यापारी हैं लगभग कोल्ड में? हमारे 8 हैं लगभग, 8 व्यापारी, 8 तो उनमें से कोई बाहर का भी व्यापारी है जैसे महाराष्ट्र वगैरह का? हमारे पास मैं बताऊँ वैसी क्वालिटी का आलू नहीं निकल रहा अभी। अच्छा, महाराष्ट्र हम खुद लोड करते हैं। अच्छा, लेकिन वैसी क्वालिटी का आलू नहीं है कि जो हम अभी वहाँ लोड कर पाए। ठीक है, मानो एक गाड़ी बन भी गई उससे हमारी चन्नी बन पाएगी, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ व्यापारी अलग लेवल के हों जो 1100 खरीद रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह के, तो नहीं है कहीं? नहीं, दिल्ली बोल रही है, महाराष्ट्र की जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र के लिए फिर और सुपर क्वालिटी का आलू चाहिए ना। अच्छा अच्छा, चैन में चाहिए, चैन में चाहिए। दिल्ली तो मानो 100 बैग में एक गाड़ी भेज दिया, वहाँ पूरी गाड़ी 500 बैग की चाहिए आपको, और बढ़िया सुपर क्वालिटी का, बस सेम क्वालिटी चाहिए। तो ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। और देखो, निकासी भी आपके यहाँ बढ़िया चल रही है, भाव भी बढ़िया चल रहा है। अब किसानों के लिए क्या एक सलाह है वैसे? सलाह है कि हम, और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि चिप्सन वाले का जरूर ध्यान रखना, चिप्सन वाले किसान परेशान हैं। हम तो किसानों से यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आलू बेचते रहे, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हुए आलू बेचते रहे, बेचते रहेंगे, हर भाव के मिलेंगे। मानो किसी को तेजी का भी गणित है तो तेजी मिल जाएगी, और आज का जो भाव है ये भी बहुत बुरा भाव नहीं, बहुत अच्छा भाव, और भाव बढ़ के ही आया है। लगभग कितने रुपए की तेजी आ गई है इसमें जून के पहले हफ्ते में? जब आप आए थे पहली बार तो उससे अब तक कम से कम 900 का मैंने आपको बताया था, उसमें बॉटम में रेट था 900 से 1100-200 रुपए, आप 150 रुपए मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अच्छा हाँ, 200 रुपए तक बाजार प्लस में चले, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। लगभग लोग बेचते रहे जब मेंटेन रहेगा वो भी चीजें सारी। जुआ खेलने की हम किसी को सलाह नहीं देते, हम बेशक कोल्ड वाले हैं लेकिन आलू अपने हिसाब से बेचते रहें, चैन में बेचते रहें, ताकि रेट भी स्थिर रहेंगे, मतलब बढ़ने की संभावना ज्यादा है, अगर आलू ही रुक जाएगा तो फिर तो वो। अच्छा, ये बात मुझे भी आपकी बातों से एक चीज महसूस हो रही है, इस बात पे आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब मंदा था तो बहुत बिक्री हो रही थी, और जैसी तेजी आई है तो किसान रुक गए, ये भी तो एक बात है। उसका कारण है देखो जी, ये भी है ना कि जब रेट बढ़ता है तो सबका ज्ञान सटीक बोलता है, सवारी सब सीधी हो जाती है। अगर किसी ने 1300 बोल दिया तो उसकी मानेंगे 1300 बिकने वाला है, क्योंकि मन का स्वभाव है, उसे अपने अच्छी लगने वाली चीज है ना, वो सब अच्छी वैसे ही मतलब उनको पसंद आती है। बिल्कुल, रेट जब ज्यादा है तो लोग कम आ रहे हैं, वो कहते हैं भाई मैंने पहले ही कहा था,
लेकिन बेचते रहो, ये रेट कम नहीं है। अच्छा, अगर हमारे किसान भाई अब आगे चल के 10 से लेके और मेरे हिसाब से 14% तक निकासी हर महीने करेंगे, तो किसानों को एक टाइम पे जाके वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे ना, जो किसानों के सपने बिल्कुल पूरे हो जाएंगे अगर 10 से लेके और 13-14% निकासी करते हैं तो। बिल्कुल, निकासी लगातार हो, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, मेन चीज निकासी पे। हाँ, मेन चीज। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है और आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अवस्थी जी, ये बात तो आपकी सच निकली कि 900 रुपए से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। नहीं, वो लास्ट का ही रेट है, बॉटम। हाँ, बॉटम बिल्कुल नीचे लो लेवल का रेट। हर जगह से आलू आ रहा था उस समय पे। अच्छा अच्छा, मतलब पंजाब से आ रहा था, अपना लोकल भी जा रहा था और कोल्ड से भी जा रहा था। और गर्मी तो अभी भी है। कितना टेम्परेचर है अभी लगा? 42-43 डिग्री अब भी है टेम्परेचर। हरी सब्जियां उपलब्ध है, बिल्कुल भी स्टेबल है, बढ़िया रेट है। और फिर डिमांड भाई, मांग और पूर्ति का हिसाब है रेट के लिए। जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो पा रही है। अभी ज्यादा कर देंगे तो लो हो जाएगा, और कम कर देंगे तो और भी बढ़ सकता है। रेट का संबंध सीधा मांग पूर्ति से है, तो अपना बेचते रहे लोग, अच्छा भाव है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और तो किसान भाइयों, ये कोल्ड में जो हमारे अवस्थी जी हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है रांची कोल्ड का क्या हाल चल रहा है और भाव के बारे में, और सब कुछ इन्होंने जानकारी दी है। तो ठीक है जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।